घायल पहले बात को हारे सरान में जलवा है हमारा। सो हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का जो वीडियो एडिटिंग होने वाला है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, जो कि आपने प्रीव्यू में देख चुके हैं। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में वही एडिटिंग बताएंगे, मतलब उस प्रकार से आप HDR CC वाला आप, मतलब वो जो चेहरे पर थोड़ा सफ़ेद टाइप का आ रहा है, तो उस प्रकार के वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक भी पार्ट को अगर आप मिस कर देंगे तो उस प्रकार का वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइज देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक वीडियो की ज़रूरत होगी एंड आपको एक लाइट मोशन एप्लीकेशन, जो कि मेरे में यहाँ है। अगर आप लोग लाइट मोशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने पिन कर दिया है, या एक वीडियो का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप क्लिक करके उसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं लाइट मोशन को। ठीक है, तो लाइट मोशन को आप डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से लाइट मोशन को ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन जैसे ही करते हैं देन इस प्रकार का इंटरफेस खोल के आता है, जो कि आप यहाँ पे देख लीजिए। और आपको A to Z बताने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से प्लस वाले मार्क पर क्लिक कर देना होता है, और यहाँ पे आपको रेशियो बोलता है कि आप किस रेशियो में यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप मतलब जिस रेशियो में बनाना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो रेशियो बनाने वाला हूँ 16:9 का रेशियो। ठीक है, देन यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट आपको क्लिक कर देना है, ध्यान से देखते रहिए गाइज। अब आपको क्या करना है कि प्लस वाले मार्क पे आ जाना है, देन आपको यहाँ से मीडिया में आकर उस वीडियो को ले लेना, मतलब जिस वीडियो का आप बनाना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो का बनाना चाहता हूँ, देख लीजिए। तो गाइज अभी देख रहे हैं कि मतलब इस प्रकार का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, और मेरे को बहुत सारा कमेंट आ गया, इसी की वजह से बनाना पड़ रहा है। तो गाइज अगर आप लोग कभी अगर न्यू आपको देख रहे हैं कि मतलब, तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस प्रकार के वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को बड़ा करना चाहूँगा, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन में रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा गाइज। तो गाइज ये देखिए फुल स्क्रीन में इतने पे हो गया। अब इतना पे हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से प्लस वाले मार्क पे आ जाना है, देन यहाँ से ये वाले शेप को ले लेना है और इसको बड़ा कर देना है। ठीक है गाइज, तो मैं इधर से पूरा इसको फुल स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ, तो इस प्रकार से बड़ा हो गया। और इसका लेंथ पूरा हम मतलब वीडियो के अनुसार बड़ा कर देंगे, 30 सेकेंड का वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं 30 सेकेंड मतलब इसको भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस शेप को कर दिया, देन क्या करना है कि इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पे आकर और ये वाला कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये ग्रीन के बगल में ये वाला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान से देखते रहिए। अब फिर से इसी पर आपको क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और नीचे के साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको सबट्रैक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबट्रैक्ट पर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको मतलब ये जो शेप लाए थे, तो शेप वाले पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है गाइज, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, यहीं पे आपका पूरा खेला स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा कॉपी बैकग्राउंड। आप यहाँ पे सिर्फ कॉपी सर्च करेंगे तो आपका वो इफेक्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो देखिए ये मेरा कॉपी बैकग्राउंड का ये थोड़ा प्लेट टाइप का आता है ये, मतलब इसका इंटरफेस, तो इसी को आप लोग डाउनलोड कर यहाँ से क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड सेटिंग वाले पर क्लिक करना है, तो ये आ जाता है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, फिर से इसी वाले पे क्लिक करेंगे शेप वाले पे। ठीक है, फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन एड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सर्च करना है आपको गेजियन ब्लर। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ जी सर्च करेंगे, जी यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट में आपको ये मिल जाएगा, गेजियन ब्लर के नाम से एक है इफेक्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, देन मतलब स्टैंडर्ड सेटिंग इसका भी ऑन कर लेना है। चलिए हम क्लिक करते हैं, ये हो गया। फिर से क्या करना है कि इसी वाले पे क्लिक कर देना है शेप पे, देन इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, देन यहाँ से ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है एक्सपोजर गामा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है EXP। ठीक है, इतना आप सर्च करेंगे तो ये सबसे फर्स्ट में आ जाता है एक्सपोजर गामा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है गाइज। अब इतना आपका ये काम ख़त्म हो जाता है, अब यहाँ से काम आपका मेन काम स्टार्ट होता है गाइज। अब देखिए आप यहाँ पे आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और सबसे पहले क्या है कॉपी बैकग्राउंड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको ये फिल वाला है ना, तो इसको आपको रखना है 3%। ठीक है, यानी कि 3% यहाँ पर देख लीजिए
इसके साइज रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे, फिर आते हैं सेकेंड वाले पे गेजियन ब्लर। तो गेजियन ब्लर पे आने के बाद इसको क्या करना है कि 0.500, ठीक है, यानी कि 0.500 के करीब इसको रख लेना है गाइज। तो मैं यहाँ पे 500 के करीब रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं इसका भी। अब यहाँ पे जो तीसरा होता है एक्सपोजर गामा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला आता है एक्सपोजर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि यहाँ -17 रख लेते हैं, ठीक है गाइज। आप अपने हिसाब से मतलब अपने वीडियो को हिसाब से देख लीजिएगा कि मतलब कहाँ पे फीड बैठ रहा है, तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। बट मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ तो यहाँ पे माइनस का 0.70, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाला आता है गामा, तो हम गामा पे आ जाते हैं। गामा पे क्लिक करने के बाद क्या करना है कि मतलब इसका भी आपको कुछ इस प्रकार से करके आ जाना है, इधर के साइड में आएंगे माइनस के 0.400, ठीक है, यानी कि 0.400 के करीब यहाँ पे आ जाते हैं गाइज। तो और भी थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है आपको, मैं इतने पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है तीन नंबर पे ऑफसेट, तो इस पर आपको क्लिक करके आपको क्या करना है कि 0., देखिए यहाँ पे ये 15 रख देते हैं, 0.15, और इतने पे कर देते हैं। तो देखिए आपका ये वीडियो का लुक ही चेंज हो गया, तो इस प्रकार से ये बन के रेडी हो जाता है गाइज, ठीक है। तो ऐसे आपको कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीडियो हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से बस प्रोसेस था, कुछ लंबा चौड़ा नहीं था। तो इसी प्रकार से आपको वो वीडियो बनता है, ठीक है। तो बहुत लोगों का कमेंट था, तो आई होप कि आज ये समझ चुके होंगे, आपको A to Z प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो बनता है। और यहाँ पर देखिए बहुत लोग का यहाँ पर कमेंट आता है कि अब सेव कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर कोने में आपको एक तीर का निशान मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करके ये वीडियो वाले पर क्लिक कराने देना है। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से देखिए या परसेंटेज के रूप में सेव होना शुरू हो जाएगा गाइज। तो गाइज आई होप कि आज के वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।